वितेश साहेब देखील इथे मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया, समाधान आहेत आमचे. त्याच्यानंतर बमनडोंगरीचा विचार केला तर संजय शेठ ठाकूर, ओमकेश कोंदली यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. पहले सत्र में जो आप देख रहे हैं, बामन डोंगरी अगर ये टॉस जीती तो वो भी हमेशा 80% पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर टॉस सिक्का उछला समिधा 11 नागव टीम के पक्ष में और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम को. मैच ऑन, मैच होगा स्टार्ट, चलते हैं मुकाबले की तरफ. सलामी बल्लेबाज आप देख सकते हैं समीर एंड विवेक, ये आरंभिक बल्लेबाज और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए रफ्तार के सौदागर लोग हमेशा मूंछों पर ताव देते हैं, यानी कि ओमकार नाइक हमारे कांतिलाल रामलाल नाइक इनके सुपुत्र. बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर ओमकार नाइक एक दमदार गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं और सामने उतने ही ताकतवर बल्लेबाज समीर खेलने के लिए तैयार. पहली गेंद बाउंसर अटैम्प्ट करने का प्रयास किया था, उछली हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. कप्तान तेजस मात्रे आज टॉस हारे और पहले फील्डिंग उनके पक्ष में आई, उनके ही खिलाफ उनका ही पैंथर आजमाया समिधा 11 नागाव टीम ने और पहले बल्लेबाजी चुनते हुए पहली गेंद आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी उछली हुई, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. गेंदबाज ओमकार ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार, छोटी गेंद थी कट करने का प्रयास, अपील की गई थी अंपायर की तरफ लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर दबाव बना सके, ये डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए गेंदबाजी में वो ताकत जरूर है लेकिन मेरे ख्याल से जो वो आपकी गेंदबाजी का वो क्रम है जो कभी ऊपर नीचे जो चेंजेस होते हैं उसके लिए आपके सामने दिक्कतें पैदा होती है. कम से कम पहले सत्र में समिधा 11 नागाउट टीम तो यही चाहती होगी कि 40-45 के भीतर जाए क्योंकि उनकी भी ताकत है गेंदबाजी. शॉट अच्छा है, टैप किया था इस गेंद को मिड ऑन में, अच्छी फील्डिंग भानुदास के द्वारा, डॉट बॉल की समाप्ति. बेटर लाइन से गेंदबाजी फिलहाल अब तक करते हुए ओमकार नाइक, पहली गेंद खराब जरूर आई थी उसके बाद दो गेंदें लगातार डॉट आप देख सकते हैं और ये अच्छी रणनीति है क्योंकि पावर प्ले के ओवर में अगर आप रन रोकने में कामयाब हो पाते तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और कहीं ना कहीं ये रन रोकने का प्रयास इस वक्त करते हुए. हर्षद भोईर जुई इनके ओर से बामन डोंगरी टीम को शुभकामना आ चुकी है. देखिए रैपिड स्पीड है इनके पास, उसी रफ्तार से हमेशा बल्लेबाजों को गिरफ्तार करते हैं और लगातार तीन गेंदे डॉट निकालने में कामयाब हो चुके हैं, यही ताकत है और यही है वो डॉट गेंदे जो है वो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बना सकती है और उसी प्रेशर के साथ अब जब आप खेलते हैं तो विकेट जाने के चांसेस बहुत बनते हैं. समीर और प्रतीक ये जोड़ी आरंभिक मैदान में है लेकिन समीर को अभी तक तीन गेंदे शांत रखा है गेंदबाज ओमकार नाइक ने. विकेट टू विकेट लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी ओमकार, एक और शानदार डिलीवरी, लगातार प्रेशर में नजर आ रहे. अगर वो पहली गेंद वाइड ना होती तो पूरी तरीके से दबाव रह सकता था लेकिन अमर मात्रे साहब वाल है, वाल ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच है जिन्होंने हर डॉट बॉल के लिए 500 का इनाम, विकेट हैट्रिक के लिए 50,000 का इनाम जावले के नाइट टूर्नामेंट में आपने देखा क्योंकि वो खिलाड़ियों की कदर करना जानते हैं और बिल्कुल एक ऐसे दमदार व्यक्तित्व है जो हमेशा योगदान देते हैं खिलाड़ियों को. ओमकार वेरी गुड बॉलिंग, बैक टू बैक चार गेंदे डॉट, पूरी तरीके से दबाव, टैप किया इस कॉल को फिर से एक बार मिड ऑन में फील्डर, गुड फील्डिंग, पांच गेंदे डॉट बॉल, पहली वाइड आई थी, अगर वाइड ना आती तो मेडन ओवर ये हो सकता था लेकिन एक वाइड आई है इसकी वजह से एक्स्ट्रा गेंद इन्हें रिलीज करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर ये जो प्रेशर है समीर के ऊपर बहुत ज्यादा ही नजर आता हुआ. तो एक डॉट बॉल आता है तो अमर शेठ इनके ओर से 1,000 का बिल्कुल इनाम दिया जाएगा और ये लीजिए ये ओवर अगर वाइड ना होता तो मेडन ओवर संदेश हो सकता था लेकिन वाइड है, एक रन जुड़ जाएगा लेकिन 1,000 का इनाम अमर शेठ मात्रे विद्यमान उप सरपंच ग्राम पंचायत वाल इनके ओर से गेंदबाज ओमकार नाइक के लिए.
हर्षद मात्रे साहब इनकी ओर से क्या शानदार गेंदबाजी की। पहला ओवर समाप्त हुआ, एक रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर समिता 11 नागांव टीम। हालांकि चर्चा करेंगे, अंतिम 18 गेंदें बची है, इन 18 गेंदों में कम से कम आप रन बनाने जरूरी होंगे। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज पिछली चर्चा करेंगे, 6 की 6 नौ स्ट्राइक पर रहे थे, अब प्रतीक आएंगे स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो प्रतीक लगातार मेरे ख्याल से वो 6 गेंदे डॉट हुए थे और ये लगातार प्रेशर है उनके ऊपर। एक रन कंप्लीट, 22 का इशारा अंपायर का, एक रनों की मदद से बल्लेबाज समीर ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 2 रन। प्रतीक ठाकुर और समीर ये आरंभिक 2 बल्लेबाज है और प्रतीक ने मेरे ख्याल से पिछली जो 6 गेंदे वो डॉट के लिए और यकीनन वो उनका प्रेशर साफ बता दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से अगर ये गेंदे डॉट खेलते हैं ना तो आप में भी वो ताकत, आप में भी वो जिगर होना चाहिए कि आप बड़े शॉट लगा सकते हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बल्ले पर शायद ही गेंद बिल्कुल लगी है, आवाज़ भी आई थी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आदित्य पाटिल को आप देख सकते हैं जो अच्छा लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस मरतबा 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल। स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन, पहले ओवर में आदित्य ने ओमकार ने बल्लेबाजों को बांध कर रखा और आदित्य पाटिल इस ओवर में भी एक अच्छी शुरुआत अपने टीम के लिए देते हुए। 10 विकेट अभी भी सुरक्षित है, चिंटा रेड्डी जैसे बल्लेबाज इनके खेमे में सुरक्षित है, तो अब पारी का पवित्रा आगे बढ़ाना भी जरूरी होगा। पैरों पर डालने का प्रयास, अपील जरूर की गई थी लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर दबाव बना सके। तब तक लेगबाइज का इशारा, इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 4 रनों के ऊपर। ये दबाव वाली क्रिकेट है। देखिए, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, उन्होंने तुरंत जवाब दिया था, न किसी के अभाव में खेलो न किसी के प्रभाव में खेलो, ये खेल है तुम्हारा, बस अपने ही स्वभाव में खेलो। और कहीं ना कहीं ये खेल जो है बस अपने ही स्वभाव में खेलना जरूरी होगा नागांव टीम को। क्रॉस बैटेड, लगातार क्रॉस बैटेड खेल रहे, यही परेशानियां बनी है बल्लेबाज मेरे ख्याल से समीर और प्रतीक की। देखिए, फुटवर्क का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, अगर मोमेंटम को अगर लगातार बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें गेंदबाज के सामने भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों गेंदबाज है, पहले पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी, सेकेंड ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब पूरी तरीके से यह दबाव नजर आता हुआ। ये गलत शॉट, लगातार गेंदे, अभी तक चर्चा करेंगे, पहले ओवर में 6 गेंदे डॉट, इस ओवर में टोटल 4 गेंदे डॉट, यानी कि टोटल 10 गेंदे डॉट आ चुकी है। 10 गेंदों में अगर 2 छक्के भी आते ना तो बेहतर होता, 10 गेंदों में 10 सिंगल भी आते कुणाल पाटिल तो भी बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर एक एक रन इंपॉर्टेंट है। सर सचिन रमेश तेंदुलकर उन्होंने कहा था, ईच एंड एवरी रन इज इंपॉर्टेंट इन अ क्रिकेट। हवाई यात्रा की जरूर है, लेकिन सीधा गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में और बल्लेबाज होंगे आउट। लगातार प्रेशर था और इसी प्रेशर की वजह से ये विकेट जाएगा मैदान से बाहर, बल्लेबाज होंगे आउट और ये पहला करारा छटका बल्लेबाज प्रतीक। बैक टू द पवेलियन। तो मेरे ख्याल से बामन डोंगरी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो सकती थी। गलती होती है खिलाड़ी से, कभी कभी आउटफील्ड भी आपका साथ नहीं देती, लेकिन आज देखिए बढ़िया कैच पकड़ा, एक अच्छे खिलाड़ी है संदेश। लेकिन चलिए, कभी कभी क्रिकेट में हार जीत होती है। विकेट जाएगा मैदान से बाहर, टोटल 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर के बाद ये रन संख्या बनी है टोटल 4 रन। कुणाल पाटिल अगर चर्चा करेंगे ना तो ये मेरे ख्याल से पहली मैच है जिसमें 2 ओवर में सबसे कम रन देखने को मिले और वही वो दिक्कतें जो उनके सामने बढ़ी रही है। शॉट अच्छा, स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स डिस्पैच गेंद सीमा पार, बड़े शॉट की तलाश थी और बल्लेबाज थे वहां पर समीर के बल्ले से, इट्स मैक्सिमम 6 रन।
अपने 6 रनों के साथ। कहते हैं कि जहां सर झुक जाए वो मंदिर है, जहां हर नदी समझाए वो समंदर है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही विराट कोहली जैसा सिकंदर है। क्या इस मैदान में ये बल्लेबाज समीर क्या अपने टीम को आगे तलक लेकर जाएगा? फिलहाल स्कोर रुका हुआ है, स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, छक्का आया, थोड़ा सा संजीवनी प्रदान करने वाला ये छक्का जरूर था, लेकिन ऐसे बड़े शॉट क्या लगातार निकल पाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम समिदा। नागांव टीम की ओर से एक और बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, इट्स अ पावरफुल स्ट्रोक, सीमा पार 6 रन। थैंक यू डीजे, निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजरें मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तब तेरे उभरते हुए हुनर को। तीसरे शॉट की बड़े तलाश में थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद डाली, बिल्कुल बल्लेबाज को बीट किया, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 16 रनों के ऊपर। एक अब लग रहा है कि अच्छा टोटल खड़ा करेगी, देखिए 4 ओवर में कम से कम आप 30-35 सलग जाएंगे तो सेकेंड इनिंग्स में आपके गेंदबाजों के लिए वो ताकत जरूर बनेगी, लेकिन उसी ताकत के साथ आपको खेलना भी जरूरी होगा। 2 छक्के आने के बाद ये डॉट बॉल की समाप्ति अपील की गई थी, लेकिन ये डॉट बॉल है। 2 गेंदे 2 छक्के, उसके बाद 2 लगातार गेंदे डॉट निकालने में कामयाब। एक तरफ बल्लेबाज का बोलबाला तो कभी गेंदबाजों का बोलबाला, बुलबुल के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, बुजदिल और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं रहते। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सर पर कभी ताज नहीं रहते। पहले 2 ओवर में थोड़ी सी शुरुआत खराब थी, लेकिन इस ओवर में भानुदास के ऊपर मोर्चा बना लिया इस समीर ने, और यही शॉट अगर आते हैं तो एक अच्छा टारगेट आप सेट कर सकते हैं। इस बार भी गेंद अच्छी थी, विकेट कीपर के द्वारा लगातार खराब फील्डिंग हो रही है। तब तक 22 का इशारा अंपायर का, एक रन आता हुआ, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। चिंटा रेडी, स्ट्राइक इन पर आएंगे, लगभग फेंकी गई है गेंदें, टोटल 17, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इन 7 गेंदों में अगर 3-4 छक्के भी आते हैं ना, 24-25 भी जोड़ पाते हैं तो एक फाइटिंग टोटल खड़ा करेगी जरूर, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना भी जरूरी होगा। अच्छी गेंद, टिपिश कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेला, 1 रन मुकम्बल, दूसरी की कोशिश, थ्रो सही है, नॉन स्ट्राइक एंड पर फेंका था, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। समीर बैक टू द पवेलियन, ओवर की समाप्ति, ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 18 रन। विनंती असेल सुहास शेठ गोंदली यांना, बामणगावचे सुहास शेठ गोंदली, सिद्धार्थ आणि गोल्डीचे पॅकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सुहास शेठ गोंदली जिथं असाल तिथं कृपया आपण विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। येस डेफिनेटली आप्पा, जर आपण विचार केलात तर सिद्धार्थ अँड गोल्डी म्हटल्यानंतर रवी शेठ पाटील सिद्धार्थ 11 आणि गोल्डी म्हटल्यानंतर सुहास शेठ गोंदली यांच्या माध्यमातून नेहमी या संघाला पॅक केलं जात आहे। आणि उल्वे नोट प्रीमियर लीगमध्ये देखील सुहास शेठ गोंदली याच्या माध्यमातून दमदार योगदान, मैदानासाठी पाण्याचे टँकर देखील त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलेत, त्यांना विनंती असेल यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। आयु थोडी बहुत बड़ी है लेकिन उत्साह आज भी वही है, नदी चाहे गहरी है लेकिन प्रवाह आज भी वही है, वही दमकम वही चमचम दिखानी पड़ेगी। शॉट अच्छा था, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात थे, मास्टर माइंड कप्तान थे, जिस मात्रे गेंद को उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। चिंटा रेड्डी और उनके साथी बल्लेबाज आप देख सकते हैं विवेक यादव, 1 रनों के साथ विवेक ने अपना खाता खोला। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे, अब चिंटा खेलने के लिए तैयार, विस्फोटक बल्लेबाज जरूर है लेकिन काम से बड़ा नाम भी जरूरी है, नाम से बड़ा काम भी जरूरी है। रैपिड स्पीड, जीत खुद का ये तेज बॉल पढ़ नहीं पाए, डॉट बॉल की समाप्ति, फिलहाल स्कोर वही रुका हुआ है। लो स्कोर का मैच अगर खेलते हैं ना तो सेकंड इनिंग्स में बहुत बड़े कमर कसनी पड़ेगी गेंदबाजों को, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है, क्या ये उड़ान ले पाएंगे बल्लेबाज? शॉट बड़ा है जरूर, सीधा खेला है वी शेप में, लेकिन खिलाड़ी तैनात, गुड कैच, बल्लेबाज चिंटा रेडी, बैक टू द पवेलियन।
कुल विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल, तीसरा मैदान से बाहर सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 टीम के पुरस्कार थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं सुहास शेटगोंदी साहब इनका मंच के ऊपर शुभागमन होता हुआ, उनका स्वागत करते हैं। एक दमदार नेतृत्व हमेशा टीम के लिए एक जबरदस्त योगदान देते हैं और पैकर के तौर पर हमेशा दमदार भूमिका निभाते हैं। चाहे टीम हारती हो जीती हो, लेकिन अमर शेट मात्रे सुहास शेटगोंदी दमदार योगदान उनका रहता है, उनका स्वागत करेंगे। संजय शेट ठाकुर ओमकेश गोंदी हमेशा दमदार योगदान, आपका भी स्वागत है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आज बोलबाल बना लिया है। पिछले साल बामन डोंगरी टीम ट्रॉम्बे टीम के खिलाफ हारी थी, एक ओवर में 27 रन 4 बजे के रात्रि के समय में चेस किए थे, वो कभी नहीं भूल पाएगी बामन डोंगरी टीम। लेकिन इस आज इस मैदान के ऊपर कमाल का परफॉर्मेंस। सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की कनक छोड़ जाऊंगा, सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। लेकिन कब, अब गेंदे बची है टोटल 3 इस ओवर की। शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, तीखा बाउंसर आपने देखा, परफ्यूम डिलीवरी, बिल्कुल नाक को सूंघ कर ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में और बल्लेबाज को यहां पर पूरी तरीके से दबाव में के आए। 19 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, इस ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च किए मकरंद ठाकुर पहली गेंद डॉट खेलते हुए। अब गेंदे बची है इस ओवर की टोटल 2। ये शायद पहली टीम होगी संदेश जो 4 ओवरों में लो स्कोर का ये मुकाबला, पिछले 3 रात्रि में किसी भी टीम का ये परफॉर्मेंस नहीं था। शायद इसकी वजह एक होगी कंचन पालकर कि पहले ओवर में 6 गेंदे लगातार डॉट, एक वाइट बॉल, आदित्य ने दबाव बनाए रखा, 2 ओवर में सिर्फ 2 ही रन थे, इस बार भी डॉट बॉल। बामन डोंगरी टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से यहां पर घुटने टेक चुके हैं, रन नहीं बन पा रहे और कहीं ना कहीं ये गलतियां उनके सामने, ये गलतियां उनके लिए पूरी तरीके से भुगतना पड़ सकती है। रोहन जॉन्टी कुछ बातचीत करते हुए भूषण के साथ, जिन्होंने बिल्कुल काफी अच्छा क्रिकेट जरूर खेला। डॉट बॉल है ये भी लगभग, अब हमारे साथी स्कोरर जानकारी बताते हुए, पहले ओवर में 6 गेंदे डॉट, दूसरे ओवर में 5 गेंदे डॉट, तीसरे ओवर में टोटल 2 गेंदे डॉट 13 और ये ओवर में टोटल 5, 24 गेंदों में 17 गेंदे डॉट के लिए, ये सबसे खराब परफॉर्मेंस। इनिंग्स की समाप्ति पहले 4 ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 19, जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदे 20 की जरूरत। विठ्ठल क्रिकेट संघासारखे कोणी आयोजन करणार ना, मेघनाथ भाई शुभेच्छा देणार हा, विठ्ठल क्रिकेट संघासारखे कोणी आयोजन करणार ना, प्रथम सामना विठ्ठल क्रिकेट मैदानी खेळणार, विरुद्ध संघात तुम्ही त्याला हरवून टाकणार, प्रथम सामना विठ्ठल क्रिकेट मैदानी खेळणार, विरुद्ध संघात तुम्ही असो त्याला हरवून टाकणार, विठ्ठल संघाचा कॅप्टन भूषण भावाला भेटणार हा, विठ्ठल क्रिकेट संघासारखे तुम्ही आयोजन करणार ना।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल चैतन्य गोवर्धन चैतन्य शेठ पाटिल मैच का आनंद लेते हुए बिल्कुल उरन विभाग कक्ष प्रमुख के अध्यक्ष है, जिन्होंने कोविड काल में भी काफ़ी कमाल का योगदान दिया। ओवर की चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। इनमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी इससे पहले मुकाबला जीतने वाली टीम मुलेखंड 11 टीम के खिलाफ। कंचन, क्या जबरदस्त मुकाबला खेला गया था। अंतिम एक बॉल में चार रनों की जरूरत थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और चार मिला। जाऊ अपन स्वागत कक्षा मध्ये इथे उपस्थित असलेले बामणडी गावचे सन्माननीय अतिथी सुहास शेठ गोंदलेने विनंती करतो की आपला स्वागत घेण्यासाठी आपण यावं, त्यांचं स्वागत केलं जातं। अतिथी देव भव या उक्तीप्रमाणे या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आणि सदिच्छा देण्यासाठी आलेले सुहास शेठ गोंदलेंचं सुद्धा स्वागत केलं जातं आहे। प्रवीण म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपल्या शुभहस्ते साहेबांचं स्वागत करावं। आज त्यांची बामणडोंगरी टीमला ते सपोर्ट करत आहेत पॅकरच्या भूमिकेमध्ये, आणि तुमच्यासारख्या मुलाचं असे मोठमोठ्या संघांचे सामने आम्हाला साहेब बघायला मिळतात। वस्त्रालंकार पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय अतिथी सुहास शेठ गोंदले यांचं स्वागत केलं जातं आहे। धन्यवाद, आपण या स्पर्धेसाठी आलात, शुभेच्छा आणि सदिच्छा दिल्यात। तुमच्यासारख्या सर्वांच्या सदिच्छा आणि शुभेच्छा मुलं ही चौथी रात्र आमची अतिशय शांत आणि संयमानं आणि जबरदस्त प्रकारे ही टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आमची संपन्न होत आहे। दीपक ठाकूर जसकार याला विनंती असेल की आपणसुद्धा आपलं स्वागत घेण्यासाठी याचं एक जबरदस्त क्रिकेटर तसं एक राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा एक जबरदस्त कामगिरी करणारे सन्माननीय दीपकजी ठाकूर, कारण या मैदानावर जासेच्या मैदानावर अनेक वेळा त्यांची टेनिस क्रिकेटची खेळे आम्ही बघितले आहेत आणि आज राजकीय पटलावरसुद्धा फार मोठी कामगिरी ते करत आहेत, त्यांसुद्धा आम्ही स्वागत करत आहोत। तर बामणडोंगरी गावचे अश्विन नाईक यांना सुद्धा विनंती करतो आहे, आपणसुद्धा यावं। अश्विन नाईक आज संपूर्ण विठ्ठल जासई आणि आमचे युवा नेतृत्व अर्थात भूषण म्हात्रे सबका साथ सबका विकास सर्वांच्या सोबत घेऊन सर्वांना सोबत घेऊन प्रत्येक कार्य करण्यासाठी तत्पर असलेले आमचे भूषण म्हात्रे यांच्या वतीनं आपलं अर्थात या स्पर्धेच्या वतीनं आपलं सरचे स्वागत केलं जात आहे। धन्यवाद, जाऊया पुन्हा एकदा आपण समालोचन कक्षामध्ये जॉईन होण्यासाठी। थँक्यू सर। बिलकुल चलते मुकाबले की तरफ। अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, एक रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश कर रहे थे, मना कर दिया। बघा आज जर विचार केला तर सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामणडोंगरी तुम्ही संघ पाहताय, अर्थातच याच गावचे भूमिपुत्र रविशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून या संघाला एक वर्षासाठी पुरस्कृत आणि त्याच्यानंतर नेहमी या संघासाठी दमदार योगदान ज्यांचं राहिलंय आणि त्यांच्या माध्यमातून संघाला टी शर्ट्स कॅप नेहमी पुरस्कृत केलं जात आहेत, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। ते देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत। तो बिलकुल एक रनों के साथ खाता खोलती हुई सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, एक समय लग रहा था मंदार लवेकर को इस लेजेंड खिलाड़ी को थोड़ी सी बीट करेगी, अच्छी फील्डिंग, कोई गलती नहीं आपकी, आउटफील्ड ने धोखा दिया था आपको, लेकिन आपकी फील्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का ये शॉट था, शॉट बेहतरीन था, एंड मोमेंट पर गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला और सीधा जो उड़ी ना उनके हाथों में, कल यही हुआ था संदेश के साथ। स्लो पर गेंद, लेकिन इस बार बीट करेगी उनको और गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, चार रन। शुभम इंगले की चर्चा हो रही है उरन विभाग में, कंचन बेहतरीन गेंदबाज हमेशा जाने जाते हैं। इस बार अच्छा शॉट है, मैदान के खिलाड़ी को बीट किया, गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा पार, बैक टू बैक दो बाउंड्रीज आती हुई बल्लेबाज संदेश गोंदली के बल्ले से, चार रन। टाइम बचाने का काम शायद करेंगे बामणडोंगरी 11 टीम के बल्लेबाज, तेज रफ्तार मिडल स्टंप पर पाए गए, यॉर्कर गेंद, फंसे बल्लेबाज और इसी के साथ बल्लेबाज संदेश को किया चलता और विकेट नंबर गिरेगा पहला, सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम के बल्लेबाज संदेश बैक टू द पवेलियन।
आइए, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर रुकिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला खेला जाएगा। जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। तो नए बल्लेबाज शुभम उर्फ चिकू, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का ये बेहतरीन फील्डर भी जाना जाता है, लेकिन उससे बेहतर कंचन इम्प्रूव किया है इसने खुद को। बल्लेबाजी भी कमाल की कर लेते हैं, सबसे जबरदस्त बल्लेबाजी इन्हें फुंडे टीम के खिलाफ इनकी देखी थी, शानदार पारी खेली थी। और बामन डोंगरी के नाम पर सबसे बड़ा इतिहास है कंचन, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, हाउस दैट की अपील भी की गई थी, अगर डायरेक्ट हिट होता तो ये विकेट जा सकता था। दूसरे के लिए पलटवार, तू तू मैं, क्या ये मौका बन सकता है? खराब क्रिकेट समिदा 11 नागांव टीम की ओर से। तब तक 2 रन पूरे किए, 2 के साथ ओवर की हुई समाप्ति। बल्ले से जरूर ये रन आए थे और इसी के साथ पहला पावर प्ले समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 12, जीतने के लिए 20 का टारगेट है, 18 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। दर्शन घरत, अगर 18 गेंदों में 8 बचा पाती है ना कंचन समिता नागांव टीम, तो एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। देखेंगे किस तरीके का प्रयास होगा अगले 18 गेंदों में। स्विच इट, व्हाट अ शॉट, कमाल का ये शॉट है, गजब का शॉट है, तकदीर के बल्ले से 6 रन। चौबीस गेंदों में बनाने थे टोटल 20 रन, लेकिन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 18, केवल 2 रनों की जरूरत है। व्हाइट बॉल का इशारा, केवल 1 रनों की जरूरत है। तो बिल्कुल विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य गावदेवी चषक उसराई के यशस्वी आयोजक, जिनके और पिछले साल टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी मैडम को आपने देखा, वो बिल्कुल विद्यमान उपसरपंच, और निश्चित तौर पर हमारे मुकेश शेठ भगत साहब, उनकी टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है, उनका भी कुछ क्षणों में आगमन होगा, उनका भी स्वागत करेंगे। और 1 से लेकर 5 मार्च तक उनकी भी सबसे बड़ी नाइट प्रतियोगिता रायगढ़ झेलेगी, आप देख सकते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं।